हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में अगर आप मजेदार फैक्ट्स की शौकीन है तो सब्सक्राइब चैनल क्योंकि इस चैनल में ऐसा ही मजेदार फैक्ट्स की बरसात होने वाली है तो एक धमाकेदार इंट्रो के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो आज हम अठारह तरह के ईल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ईल्स एक तरह की मछली है जो कि सांप की तरह दिखता है इनकी बॉडी स्मूथ और स्लिपरी होता है ईल्स पाँच सेंटीमीटर से चार मीटर तक लंबा हो सकते हैं ईल्स तीस ग्राम से लेकर पच्चीस के जी तक हो सकता है डीप सी में पाए जाने वाले ईल्स ज़्यादातर ग्रे और ब्लैक कलर के होते हैं जबकि ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले ईल्स कलरफुल होते हैं ईल्स ज़्यादातर सैलो वाटर में पाए जाते हैं तो नंबर वन पे हैं बीच कॉन्गर ईल ये ईल चार फिट तक लंबा हो सकता है बीच कॉन्गर ईल ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं बाकी ईल्स की तरह कॉन्गर ईल रात को खाने की तलाश में निकलता है ये ईल ज़्यादातर क्रस्टेशियंस और छोटे छोटे मछली खाता है बीच कॉन्गर रॉकी एरियाज और कोरल रीफ के आसपास पाए जाते हैं और नंबर दो पे आता है ब्लैक स्पॉटेड ईल ये एक स्पाइनी ईल है जो कि अपनी अट्रैक्टिव बॉडी के लिए फेमस है इनकी बॉडी डार्क और लाइट ब्राउन कलर के होते हैं विथ लीनियर ब्लैक स्पॉट्स ईल के बॉडी के ऊपर स्पॉट्स डार्क दिखते हैं जबकि बॉडी के नीचे ऊपर के मुकाबले लाइट स्पॉट दिखते हैं ज़्यादातर स्पॉट्स राउंडेड होते हैं कुछ ही इलंगेटेड होते हैं ब्लैक स्पॉटेड ईल अठारह साल तक जिंदा रह सकता है ये ईल 20 इंच तक लंबा हो सकता है ब्लैक स्पॉटेड ईल वॉर्म से लेकर सरम्प और फिश भी खाते हैं अगर आप एक ब्लैक स्पॉटेड ईल को एकवारीम में रखते हैं तो याद करके लाइट बंद करने से पहले खाना डाल दीजिएगा एकवारीम में क्योंकि ये ईल भी रात को खाने की तलाश में निकलता है तो नंबर थ्री पे है इलेक्ट्रिक ईल ये ईल अपने प्रे को इलेक्ट्रिफाई करके पारालाइज कर देता है इलेक्ट्रिक ईल हर दस मिनट में सांस लेने के लिए पानी के सतह पर आता है ये ईल ज़्यादातर साउथ अमेरिका रीजन में पाए जाते हैं इसके बिजली के झटके से एक घोड़ा भी पैरालाइज हो सकता है इलेक्ट्रिक ईल का लंबा और सिलेंड्रिकल बॉडी होता है इसका बॉडी डार्क ग्रे कलर का होता है जबकि उसका गला ऑरेंज कलर का होता है इनके आईज़ ग्रीन कलर के होते हैं जो कि इसे और भी ज़्यादा स्केरी लुक देता है बॉडी के ऊपरी स्किन का 80 प्रतिशत एलिमेंट्स इलेक्ट्रिफाई करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिक ईल्स 8 फीट तक लंबा हो सकते हैं और 45 पाउंड तक वजनदार हो सकते हैं ये ईल लगभग 15 साल तक जिंदा रह सकता है और नंबर फोर पे आता है फिम्रिएटेड मोरे इसकी बॉडी इस ग्रीन कलर का होता है विद ब्लैक स्पॉट्स ये ज़्यादातर छोटे मछलियों को खाते हैं फिम्ब्रिएटेड मोरे 2.5 पॉइंट तक लंबा हो सकता है ये ज़्यादातर इंडो पैसिफिक एरिया में पाए जाते हैं फिम्ब्रिएटेड मोरे को स्पॉट फेस मोरे और डार्क स्पॉटेड मोरे भी बोला जाता है ये ज़्यादातर प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि कोरल रीफ लोग और हारबॉर्स में रहते हैं बाकी ईल्स की तरह ये भी रात को अपनी शिकार की खोज में निकलता है ये क्रस्टेशियंस पे फीड करते हैं तो नंबर फाइव पे है जैन मोरे ये इल्प इंडो पैसिफिक एरिया के रीफ में पाए जाते हैं इसके बॉडी में लियोपार्ड जैसे ब्लैक स्पॉट्स बने होते हैं ये क्रस्टेशियंस और फिश पे फीड करते हैं अगर कोई इंसान इसे खाए तो उसको मरने से बचाना मुश्किल है और नंबर छः पे आता है ग्रे कॉन्गर ये तीन से पाँच फीट तक लंबा हो सकते हैं इसका सर कैटफिश की तरह दिखता है ये फिन फिश खाते हैं ग्रे कॉन्गर अटलांटिक ओशन साउथ अमेरिका जमाइका और क्यूबा में पाए जाते हैं ये ज़्यादातर कोरल रीफ्स और रॉकी रीजन्स में पाए जाते हैं बाकी की तरह ग्रे कॉन्गर भी रात को अपना खाना ढूंढता है इसे एटीन में डिस्कवर किया गया था तो नंबर सेवन पे है हाफ बैंडेड स्पाइनी ईल ये ईल सिर्फ आठ इंच तक लंबा होता है ये नॉक्चर्नल फिश यानी कि रात को खाने की तलाश करने वाला फिश एशिया साउथ ईस्टर्न थाईलैंड इंडोनेशिया में पाए जाते हैं इन्हें डेंस वेजिटेशन वाले एरिया में रहना पसंद है ये ईल पंद्रह साल तक जी सकता है और नंबर आठ पे आता है लॉन्ग फिन अफ्रीकन कॉन्गर ये ईल इंडो पैसिफिक एरिया में पाए जाते हैं ये ईल चार फिट तक लंबा हो सकते हैं लॉन्ग फिन अफ्रीकन कॉन्गर समंदर के सतह से 250 फीट के अंदर रहते हैं ये ईल ज़्यादातर ईस्ट अफ्रीका साउथ जापान और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं इसके टीथ बहुत ही साफ होते हैं ये इल ब्राउनिश ग्रे या येलो कलर का हो सकता है इसके फिन्स के नीचे ब्लैक पैचेस बने होते हैं बाकी ईल्स की तरह ये ईल भी क्रस्टेशियंस और छोटे छोटे मछली खाता है तो नंबर नाइन पे है मोटल कांगर ये ईल चार फीट तक लंबा हो सकता है इसे मुलाटो कांगर भी बोला जाता है ये ईल ज़्यादातर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं इसे मार्बल कॉन्गर भी बोला जाता है ये ईल पानी में और पानी के बाहर भी सांस ले सकता है और नंबर दस पे आता है ऑसिलेटेड स्पाइनी ईल ये इल लाइट ब्राउन कलर का होता है विथ ब्रोकन लाइन स्ट्राइप्स इसे अफ्रीकन स्पाइनी विल भी बोला जाता है इस ईल को 1970s में डिस्कवर किया गया था ये इल ज़्यादातर अफ्रीका के समंदरों में पाए जाते हैं ये इल 6 इंच तक लंबा हो सकता है और 18 साल तक जी सकता है तो नंबर 11 पे है पीकॉक ईल ये इल लाइट ब्राउन कलर के होते हैं जिनके पूरे बॉडी में येलो स्ट्राइप्स मौजूद है यह ईल एक फुट तक लंबा हो सकता है और आठ से अठारह साल तक जी सकता है और नंबर बारह पे आता है पर्पल स्पैगेटी ईल ये ईल मोरिंग फैमिली का एक ईल है जिसमें वॉम ईल्स भी आते हैं यह ईल सत्र इंच तक लंबा हो सकता है पर्पल स्पैगेटी ईल का बहुत ही पतला और लंबा बॉडी होता है इसीलिए इसे स्पैगेटी ईल बोला जाता है इसका सर बहुत ही छोटा होता है इसकी आँखें इतनी छोटी हैं कि हम उसे देख ही नहीं पाते जाहिर सी बात है जब सर ही इतना छोटा है तो आँखें तो छोटी होंगी ही ना ये पर्पल और पिंकिस ब्राउन कलर के होते हैं ये ईल पाँच से बारह साल तक जिंदा रह सकते हैं पर्पल्स स्पैगेटी ईल को एटीन ट्वेंटीज़ में डिस्कवर किया गया था ये ईल ईस्टर्न इंडियन ओशन माल्टा, इंडोनेशिया इंडिया और फिलीपाइंस में पाए जाते हैं ये ईल फ्रेश फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में रह सकता है ये ईल लार्वा क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स पे फीड करता है तो नंबर थर्टीन पे है स्लेंडर जार्ट मोरे ये ईल तेरह फिट तक लंबा हो सकता है जो कि मोरे स्पीसीस में सबसे लंबा ईल है इनके ऊपर वाला हिस्सा ग्रेस ब्राउन कलर का होता है जबकि नीचे वाला हिस्सा वाइट कलर का होता है स्लेंडर जियाट मोरे इंडो पैसिफिक ओसन में पाए जाते हैं इनकी बॉडी लंबा और सिलेंड्रिकल होता है और नंबर चौदह पे आता है स्नोफ्लेक मोरे ये ईल्स ज़्यादातर मछली और क्रस्टेशियंस खाते हैं स्नोफ्लेक मोरे समंदर के सतह से सात से एक सौ फीट नीचे रहते हैं ये ईल इंडो पैसिफिक एरिया में पाए जाते हैं इसे क्लाउडेड मोरे भी बोला जाता है ये ईल बीस इंच तक लंबा हो सकता है स्नोफ्लेक मोरे सॉल्ट वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं ये ईल चार साल तक जिंदा रह सकता है ये ईल क्राब और सिर्म पे फीड करता है तो नंबर पंद्रह पे है स्नाइडर्स मोरे इसे फाइन स्पॉट मोरे भी बोला जाता है स्नाइडर्स मोरे को 1904 में पैसिफिक ओशन में डिस्कवर किया गया था ये ईल सिर्फ चार इंच लंबा है जो कि इसे ईल के सबसे छोटा स्पीशीज बनाता है ये ईल रेडिश ब्राउन कलर की है विथ ब्राउन एंड वाइट स्पॉट्स ये ईल कोरल रीफ के आसपास पाए जाते हैं पैसिफिक ओशन छोड़ के ग्रेट बैरियर रीफ और हवाईन आइलैंड में भी ये ईल पाए जाते हैं और नंबर सिक्सटीन पे आता है टायर ट्रैक ईल ये ईल टू पॉइंट फाइव फिट तक लंबा हो सकता है इसके बॉडी पे डार्क ब्लैक मार्किंग्स है इसलिए इसे टायर ट्रैक ईल बोला जाता है बाकी ईल की तरह ये भी रात को खाने की तलाश में निकलता है ये ईल वॉर्म्स और छोटे छोटे मछलियों पे फेड करता है इसे वाइट स्पॉटेड स्पाइनी ईल भी बोला जाता है यह ईल ब्राउन कलर के होते हैं विथ इरेगुलर डार्क मार्किंग्स तो नंबर सेवनटीन पे है वाइट स्पॉटेड साइगर ये इल नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं ये इल लगभग तीन फीट तक लंबा हो सकता है इसकी बॉडी सांप की तरह लंबा है ये इल नॉर्थ अमेरिका ब्राज़ील बरमुंडा गल्फ ऑफ मेक्सिको और करीबियन सी में पाए जाते हैं ये इल दिन में बहुत एक्टिव होते हैं ये इल क्रस्टेशियंस और मछलियों पर फीड करते हैं इनकी बाइट इंसानों के लिए डेंजरस हो सकता है और अब लास्ट नंबर एटीन पे आता है जेब्रा मोरे इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स की वजह से ये इल जेब्रा की तरह दिखता है ये इल इंडो पैसिफिक एरिया के रीव्स के आसपास पाए जाते हैं यह इल मोलस क्रस्टेशन और सी अर्चिनस पे फीड करता है इसके साथ साथ ये इल श्रिम्प और स्क्विड्स भी खाते हैं जेब्रा मोरे अफ्रीका रेड सी गला और हवाई में पाए जाते हैं और आज फिर से बोनस फैक्ट्स हाजिर है आप सब के वर्ल्ड का सबसे हेवीएस्ट ईल है यूरोपियन कांगर जो कि दस फीट लंबा और दो सौ पचास पाउंड वजन का है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ईल है स्लेंडर जान मोरे जो कि तेरह फीट लंबा है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ईल है स्नाइडर्स मोरे जो कि सिर्फ चार इंच का है ईल्स नियरली ब्लाइंडेड होते हैं कुछ ईल्स 85 फाइव ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं इनकी स्किन स्मूथ स्केललेस और स्लाइमी होते हैं ईल्स ब्राउन व्हाइट येलो ग्रीन ऑरेंज ब्लैक और ब्लू कलर के हो सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें कमेंट डाउन मिलो कौन सा इल्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा अगर आप ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के दीवाने हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल इंटरेस्टिंग वीडियोज थैंक्स फॉर वॉचिंग